अब हमारे पास जो दूसरा लेक्चर है वो है व्हेन ए पोटेंशियल इम्बैलेंस इज कंफर्म्ड एज अ जोन। वो कहता है जी पोटेंशियल हमारे पास कब सप्लाई और डिमांड जो है कंफर्म होगा। वो कहता है जी इसकी तीन शर्तें हैं, ठीक है। वो कहता है जी पोटेंशियल इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इफ द प्राइस ब्रेक ए ट्रेंड लाइन। वो कहता है ये पोटेंशियल इम्बैलेंस जो है, ये सब इम्बैलेंस का लफ्ज़ इसने इसलिए यूज़ किया है कि वो सप्लाई हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। वो कहता है कि जी उस वक्त होगा जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी वन मोर फुल OHLC कैंडल। वो कहता है एक और या एक से ज़्यादा से हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो OHLC कैंडल के साथ। ये हमने पढ़ा था। दूसरा है दिस ट्रेंड लाइन मस्ट कनेक्टेड लास्ट टू लेटेस्ट टू पीक्स वेली और थ्री मोर कंसेक्टिव कंटिन्यू पैटर्न। वो कहता है ये जो है या तो हमारी वेली पर हो या फिर हमारी पीक पर हो या हमारे कंटिन्यू पैटर्न पर हो, ठीक है। मिनिमम आपके जो है टू वेली टू पीक्स और टू कंटिन्यू पैटर्न हो। दूसरा उसने रोल बताया एन अपोजिंग इम्बैलेंस इन अलाइनमेंट। वो कहता है जब एग्जांपल इसका उसने ये इस्तेमाल किया है कि अगर एग्जांपल के तौर पर बुलिश की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो सेल की तरफ आती है, जब सेल लाइन में आएगा तो अपोजिंग जो जोन होगा, अपोजिंग जो हमारा इम्बैलेंस होगा, यानी जो हमारा सप्लाई था वो हमारा ख़त्म हो, वो सॉरी डिमांड था वो हमारा ख़त्म हो गया, यानी अलाइनमेंट अपोजिंग इम्बैलेंस अलाइनमेंट। यानी सिंपल अगर आप इसको इस तरह भी देखें, वो कहता है जी हमारे पास बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है, ठीक है। ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक करती है तो हमारा जो है यहाँ से यहाँ पर डिमांड जोन चल रहा था इसमें, अब सप्लाई बना है, ट्रेंड लाइन सेल में आई है, तो इसका मतलब है ये जो हमारा अपोजिंग जो है डिमांड है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद जो है वो कहता है ऑल टाइम्स हाई लोज आर ब्रोकन एंड बाई इम्पल्स स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंसोलिडेट अवे। वो कहता है जी ऑल टाइम हाई और लो ब्रोकन, यानी हाई और लो ब्रोकन, जैसे मैंने एनालिसिस में यूज़ किया हुआ है कि ये उसका लो ब्रेक हो गया है तो ये भी कंसोलिडेट के लिए हमें काम आ जाता है कंसोलिडेशन दूर करने के लिए। यानी हमारे पास ये सप्लाई है, ठीक है, यहाँ पे हमारी बेस बनी है, यहाँ पे यानी इसके अंदर बेस बनी है, बेस बनने के बाद जो है मार्केट यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग दे देती है। बेरिश इंगल्फिंग जो है अगर एग्जांपल के तौर पर आपका जो है मार्केट यहाँ से यहाँ है तो जब ये भी आपका जो है लेवल ब्रेक हो जाएगा उससे भी ये जो है जूम दूर हो जाएगा, जिससे हमारे यहाँ सप्लाई एंड डिमांड जो है क्या कहते हैं वो कहता है ऑल टाइम हाई एंड लो बाय ब्रोकन स्ट्रांग एनफ टू कंसोलिडेट अवे। वो कहता है जी कंसोलिडेट को दूर करने के लिए हमारे पास जो है हाई लो ब्रोक भी हो जाए वो भी मतलब सिंपल वो यही कहना चाहता है कि कंसोलिडेशन अवे, जैसे हमारे पास OHLC कैंडल बनती है तो यहाँ भी का हमारा जो है डिमांड जोन कंफर्म हो जाता है, तो इसमें भी डिमांड जोन के लिए हमारा अगर हाई लो ब्रोक कर जाता है तो फिर भी हमारे लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन कंफर्म हो जाता है। उसके ओवरऑल कहने का मकसद ये है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मार्केट जो है डिफरेंट टाइप्स में चलती है, यानी हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड है, एक हमारे पास हाई और लो में मार्केट चलती है, ठीक है। अब क्या कहता है अगर मार्केट जो है यहाँ पे बुलिश में चल रही है, हमारा डिमांड जोन चल रहा है, डिमांड जोन जो है यहाँ से ब्रेक कर जाती है ट्रेंड लाइन तो ये डिमांड जोन जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सप्लाई जोन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारे पास ये बेरिश ट्रेंड लाइन है तो बेरिश ट्रेंड लाइन में जो है मार्केट यहाँ पे सेल में चलती रहती है तो जब ये ब्रेक करेगी
इम्पल्स के साथ यानी स्ट्रॉन्ग के साथ, तो ये हमारा सप्लाई जोन ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे डिमांड जोन आ जाएगा। दो ये तरीके बताए हैं उसने। तीसरा हमारे पास तरीका ये बताया कि अगर मार्केट सेल में आ रही है, यहाँ पे आपका सप्लाई दिया है उसने, तो यहाँ पे आपका जो है लो है, मार्केट यहाँ फिर सप्लाई देती है, तो यहाँ पे जो है अगर ये जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपका सप्लाई जो है कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कंसोलिडेट को दूर कर देगा। अगर बाइंग में भी है तो सेम बाइंग में भी इस तरह ही है, जैसे ही हमारे पास ये लेवल ब्रेक होगा हमारा जो है डिमांड जोन यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो है कहता है जी इम्बैलेंस कैन बी डिफरेंट इन द फॉलोइंग, वो कहता है जी जो इम्बैलेंस है सप्लाई एंड डिमांड है मुख्तलिफ तरीकों से आ सकता है, कैन बी डिफरेंट इन द फॉलोइंग वे। पोटेंशियल जो है पीक वैली कंटिन्यू पैटर्न, यहाँ पे देखें वो बताता है पोटेंशियल पीक वैली सीपी। अब पीक क्या चीज़ है, पीक हमारे पास ये है कि हमारे पास इन्वर्टेड वी हो, ठीक है, ये देखें ये हमारे पास इन्वर्टेड है, और उसके बाद जो है वैली जो है हमारा यहाँ पे है, और कंटिन्यू पैटर्न हमारे पास रैली बेस वैली और या ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। वो कहता है जी इनसे ऑल देम ऑफ पोटेंशियल इम्बैलेंस नथिंग मोर नथिंग लेस एंड एरिया वेयर यू क्लोड कोड पोटेंशियल इंटरेस्ट। वो कहता है जी ये पोटेंशियल के लिए यूज होते हैं, ये कोई काफ़ी नहीं है, वेयर यू कुड ड्रा पोटेंशियल एरियल फॉर इंटरेस्ट। दूसरा कहता है जी ये भी मैं आपको बताता हूँ, दूसरा कहता है डिफरेंट डिमांड जोन सप्लाई जोन इम्बैलेंस दैट ब्रोकन ट्रेंड लाइन और टू अपोजिंग आउट इट कंफर्म टॉप डाउन एनालिसिस एंड स्कोरिंग आर नीडेड। तीसरा हमारे पास है ट्रेडेबल डिमांड जोन द इम्बैलेंस वी ट्रेड वंस वी स्कोर द इंक्लूड मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस एंड द कोर अलाइनमेंट। वो कहता है जी हमारे पास इम्बैलेंस जो है डिफरेंट वे से है, ठीक है, ये नहीं सिंपल, पहला उसने बताया कि हमारे पास पोटेंशियल जो है पीक से भी आ सकता है, ठीक है, वैली से भी आ सकता है, कंटिन्यू पैटर्न से भी आ सकता है। दूसरा वो कहता है जी ट्रेंड लाइन ब्रोक से भी आ सकता है, और चौथा जो आप हमने उसने बताया कि जो हमारे पास ट्रेडेबल होगा, जब हमारे पास ट्रेड करने के लिए ये बनेगा तो हम जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम से इसको मतलब एनालिसिस करेंगे। यानी सिंपल पहला उसने बताया कि अगर हमारे पास वी का पीक बनती है, ये एग्जांपल पीक बन जाती है, फिर या वैली बन जाती है, या कंटिन्यू ट्रेंड बन जाता है ये वाला या ये वाला, तो इनसे भी आती है। दूसरा हमारे पास ट्रेंड लाइन भी ब्रोक कर जाती है, इनसे भी आती है। था फोर्थ उसने बताया कि ओवरऑल जब भी हम ये ट्रेड करेंगे तो सारे टाइम फ्रेम्स को मिक्स करके मल्टीपल करके हम इसको स्कोरेड करके मतलब इसको हर चीज़ देखकर मुख्तलिफ जो है इसमें रूल रख के तो फिर हम इसमें ट्रेड करेंगे, ठीक है, उनके कहने का मकसद यही है। वो कहता है जी एन अपोजिंग बैलेंस इज टेकन आउट, वो कहता है अपोजिंग बैलेंस इज टेकन आउट, कहता है जी अपोजिंग इम्बैलेंस, अपोजिंग जो है उल्टी साइड का जो है टेकन आउट, आउट का मतलब है आउट हो जाना या ख़त्म हो जाना। वो कहता है जी एन इम्पोर्टेंट नोट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, वो कहता है जी इस कॉन्सेप्ट को जो है आप याद करें। अब ये हमारा जस्ट इतना सा लेक्चर है ये, और ये है भी बहुत इम्पॉर्टेंट। वो कहता है जी प्राइसिंग मेकिंग ए हायर हाई और लोअर लो डर नॉट वैलिडेट ए जोन। वो कहता है जी मार्केट में जो है मार्केट में ये देखें हायर हाई या लो बनाने से भी हमारा जोन कंफर्म नहीं होता। पहले उसने ब्रोकन का बताया कि ये अगर ब्रोक कर जाता है तो हमारा डिमांड जोन वो हो जाता है, कंसोलिडेशन को दूर कर जाता है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा, उसने कहा था कि हमारे पास जो है अगर हायर हाई लो ब्रेक कर जाता है, एग्जांपल ये हमारे पास लो है ब्रेक कर जाता है, तो इसको जो है सप्लाई को दूर कर आता है, ठीक है, हमारे पास जो है उसमें इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो सप्लाई है या डिमांड है वो हमारा
कवर में आ गया, यानी जैसे हमने OHLC कैंडल का पढ़ा था कि अगर जब तक हमारे पास बेस बनती है, बेस के बाद बुलिश इंगल्फिंग या प्रेशर नहीं आता, उसके बाद भी एक OHLC कैंडल बने तो वो कंसोलिडेशन को दूर कर रहा था, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस डिमांड में या सप्लाई में पावर है। अगर वो नहीं करता, ठीक है, अगर वो फॉरन बैक आ जाता है तो वो इसका मतलब है ये हमारे किसी काबिल का नहीं है। अब यहाँ पे उसने दूसरा तरीका बताया है कि अगर हमारे पास लो या हाई ब्रेक कर जाता है फिर भी वो कंसोलिडेशन को दूर कर जाता है, ये भी हमारे लिए डिमांड जोन जो है मतलब वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे फिर वो बता रहा है कि अगर प्राइस इज टेकन आउट विद इन अपोजिंग हायर ट्रेंड, नहीं ये वो कहता है जी अगर मार्केट जो है प्राइस हाई और लो को ब्रेक करती है, ठीक है, डज नॉट वैलिडेट इज, वो कहता है ये ब्रेक करने से हायर हाई और लोअर लो बनाने से जो है जोन वैलिड नहीं है, यानी दूर तो कर आ जाता है वैलिड नहीं है, यानी हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। एन इम्बेलेंस आल्सो नीड टू टेक अपोजिंग जोन एंड ऑल टाइम्स हाई लो सिनेरियो वेयर दे नॉट अपोजिंग टू बी टेकन आउट। अब इसका जो है ओवरऑल मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ कि ये चाहता क्या है, कहना क्या चाहता है, हम अपनी ज़बान में बात करेंगे। हम आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास है वो कहता है कि जी अगर हम सप्लाई ढूंढेंगे तो हमारा अपोजिंग डिमांड भी ढूंढेंगे, ठीक है, यानी एग्जांपल हमारे पास जो है ये सप्लाई जोन है तो हमारे पास दूसरा हमारे पास ये जो है डिमांड जोन भी है, ठीक है। वो कहता है ये हम अपोजिंग डिमांड और सप्लाई ढूंढेंगे, अगर हम डिमांड ढूंढते हैं तो सप्लाई भी ढूंढेंगे, अगर सप्लाई ढूंढते हैं तो डिमांड ढूंढेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे मार्केट जो है जैसे यहाँ पे है मार्केट सप्लाई से आई डिमांड तक आई, ठीक है, उसके बाद डेली की आ जाती है, डेली की भी यहाँ पे सप्लाई से निकली है तो डेली की एग्जांपल ये है तो मार्केट जो है यहाँ पे आ जाती है, ये एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जो है डेली से निकली है तो डेली तक आएगी, वीकली से निकली है वीकली तक आएगी, H4 से निकली है तो H4 तक आएगी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हम H4 में देखेंगे तो H4 की सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो डिमांड जोन भी ढूंढेंगे, अगर D1 का डिमांड जोन ढूंढ रहे हैं तो सप्लाई जोन भी ढूंढेंगे, अगर वीकली का सप्लाई ढूंढ रहे हैं तो वीकली का डिमांड जोन भी ढूंढेंगे। वो कहता है कि हमारे पास अपोजिंग टाइम फ्रेम जब आता है तो कौन सा जो है जोन ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा। इसका सिंपल ये है कि देखें अगर हमारे पास D1 में सप्लाई है, ठीक है, H4 में भी सप्लाई है, वीकली में भी सप्लाई है, ठीक है, यानी तीनों सप्लायर्स पे खड़े हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है जब वीकली से गिरेगा तो D1 का सप्लाई जो होगा सॉरी D1 का जो डिमांड जोन होगा H4 का डिमांड जोन होगा वीकली का डिमांड जोन होगा तो फिर ये ब्रेक करते आएंगे ये वाले, ठीक है, यानी अगर वीकली का चल रहा है डिमांड जोन सप्लाई जोन से निकल रहा है तो वो वीकली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम जो है इसमें जो है सप्लाई से निकल रहा है तो डिमांड तक आएगा, यहाँ से अगर H4 में सप्लाई से निकल रहा है तो डिमांड पे आएगा। सिंपल हम यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं जैसे उसने बताया कि मंथ वीकली डेली और H4, ठीक है, H4 का तो उसने जिक्र ही नहीं किया, हम यहाँ मंथ की बात करें। वो कहता है जब मंथ जो है सप्लाई से गिरता है तो फिर वीकली भी ब्रेक होते जाएंगे D1 भी ब्रेक होते जाएंगे, ठीक है, अगर वीकली से गिरता है तो हमारे D1 के ब्रेक होते जाएंगे, अगर D1 की सप्लाई से आता है तो हमारे H4 के ब्रेक होते जाएंगे। उसने टोटल कंसेप्ट यही बताया, ठीक है, ये मुझे तकरीबन 3 घंटे लगे हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये देखें सिंपल ये बताता है कि अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास JBP USD है, ये देखें अगर हम मंथ पे जाते हैं
मंथ पे हमारे पास कंट्रोल में है तो इसने सेल लाना है, ठीक है। वीकली के जितने भी सप्लाईज होंगे, सॉरी डिमांड जोन होंगे, वो सारे ख़त्म होते जाएंगे। जब वीकली का डिमांड जोन जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी डी वन की बारी आ जाएगी। डी वन की बारी जब ख़त्म होगी तो हम तब तक हमारा जो है मंथली का डिमांड जोन जो है वो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल उसके कहने का मकसद ये है, जब भी आप इसको हम इस तरह ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं कि अगर आप वीकली की डिमांड जोन या सप्लाई जोन कंट्रोल में है तो हम डी वन का जो है वो ब्रेक तक होगा, ठीक है। अगर मंथ का ब्रेक है तो वीकली डिमांड जो है वो हमारा ब्रेक कर देगा, डी वन का भी ब्रेक कर देगा। अगर डी वन का है तो फिर वो एच फोर का ब्रेक कर देगा, ठीक है। इसको हम इस तरह लेते हैं, ये देखें, ये हमारे पास है जे बी पी यू एस टी, मंथ में लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास जो है सप्लाई जोन है, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिमांड जोन है यहाँ से, ये देखें, ठीक है। ये हमारे पास बेस कैंडल बनी हुई है, अगर आप इसको वीक भी कर लें, ठीक है, या आपकी क्लोजिंग पर देख लें तो आपकी मर्जी है। ये हमारे पास डिमांड जोन है, इसको हम कैसे कहेंगे, ये एक हमारे पास डिमांड जोन है, दूसरा हमारे पास डिमांड जोन ये है, ठीक है। अगर आप इसको भी नहीं करते, ये हमारे वीकली में आ जाएगा। यहाँ से देखें, मार्केट यहाँ से निकलेगी, यहाँ तक आएगी, ठीक है। हमारे पास सिंपल है कि हमारे मंथ टाइम फ्रेम में जो है ये सेल है, ठीक है। अब डेली में वीकली में आ जाते हैं, वीकली में आते हैं, अब वीकली में क्या है, हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास बिरिश आया है, यहाँ पे जो है आपकी बिरिश कैंडल बनी है, और ये आपकी जो है बुलिश प्राइसिंग देख लें, या मार्केट की आप यहाँ पे बेस देख लें, या आप यहाँ पे देखें हमारी डॉन है, यहाँ पे जो है आपकी बिरिश है, यहाँ से बिरिश इंगल्फिंग है, आप यहाँ लगा लें या यहाँ लगा लें, एक ही है, ठीक है। हम जो है यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि मार्केट में हमारे पास बुलिश प्राइसिंग दी है, क्योंकि गैप में अप स्टार्ट हुई है, इससे आपको ये कन्फ्यूज़न कर रही है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको सिंपल जो है क्या करते हैं, अब ये हमारी वीक में भी शो हो जाएगा, ये हमारे पास डिमांड जोन है, इसको हम कहते हैं कि जी आपके वीक में भी शो हो, तो हम जो है यहाँ से वीक में आ जाते हैं। अब वीक में क्या चीज़ है, सिंपल वो कहता है कि जी जब मंथ में यहाँ से गिरेगा तो वीकली जो है ऑटोमेटिक ब्रेक कर देगा, ठीक है। उसके कहने का मकसद ये है। दूसरा, हम यहाँ से फिर सब डिमांड ढूंढ लेते हैं जहाँ हमें ईजी लगता है। और ये ट्रेडिंग में एक चीज़ आप याद रख लें कि अगर किसी जगह पे आपको कन्फ्यूज़न होती है कि ये हमारे पास जो है जोन बनता है या नहीं बनता, आप उस चीज़ को छोड़ दें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है डिमांड जोन ढूंढें और गलत जगह पे लगाएं जो आपको कन्फ्यूज करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास 50% बेस कैंडल है, या हमारे पास जो है ये एक बेस बनाई है उसने, ठीक है। हम दूसरा डिमांड जोन जो है वीकली का, हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इसकी 2 वीक से। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास मंथली से चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट जो है ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये ब्रेक कर देगा, थर्ड हमारे पास वीकली पर आएगा, ठीक है, यानी मंथ पे आएगा। अगर हम यहाँ पे मंथ में भी डाउन है, वीकली और डेली डाउन है, तो यहाँ पे देखें, दिखाता हूँ आपको, डी वन में जितने आपके डिमांड्स हैं वो सारे जो है ब्रेक होते जाएंगे। अब यहाँ हम जो है डिमांड जोन ढूंढते हैं,
यहाँ से हमारी लेग स्टार्ट हुई, फर्स्ट हमारे पास ये 12 डिमांड जोन है कि हमें यहाँ पे 50% बेस कैंडल बनी। उसके बाद जो है मार्केट अप गई, अप जाने के बाद जो है ये देखें हमारे पास 200 डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट होता है, ये यहाँ पे ये भी आपकी बेस कैंडल है। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये देखें ये आपकी बेस क्रिएट हुई है। अब ये जो है सिंपल, अब आप कहें कि नीचे डिमांड जोन है ये हमारे वैलिड हैं, ये वैलिड नहीं होंगे। जब बड़ा टाइम फ्रेम की रैली आ रही होगी तो ये फिर छोटे जो है ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाएंगे। उसके ओवरऑल कंसेप्ट यही है कि हमारे पास जो है ये ब्रेक कर देंगे। अगर वीकली से आता है तो D1 के ख़त्म होते जाएंगे, अगर D1 के आते हैं तो H4 के ख़त्म होते जाएंगे। हमने मिनिमम D1 पर जाना है, इससे नीचे नहीं जाना। ओवरऑल इसका कंसेप्ट यही है कि अगर मंथ में सेल आता है, मंथ में आपको पता चल जाता है कि सेल है, तो इसका मतलब है वीकली की आपके जो डिमांड हैं वो ख़त्म होती जाएंगी, ब्रेक होती जाएंगी। अगर आपको लगता है वीकली में जो है हमने सेल करना है, जिससे अगर वीकली और डेली दोनों डाउन है तो हम मंथ की डिमांड जोन से बाय करेंगे। हम मंथ की जो है डिमांड जोन को कर लेंगे ऐड करके, उसके बाद जो है मंथली को जब देखेंगे कि हमारे पास वीकली डाउन आ रहा है, वीकली सप्लाई हो गया है, डेली ऑटोमेटिक डाउन है, तो हम जो है मंथ की डिमांड जोन तक इसको होल्ड करते जाएंगे। इसके दौरान जितनी भी हमारी डेली की वीकली की डिमांड जोन आएंगी वो सारे ख़त्म हो जाएंगी। उसके ओवरऑल कंसेप्ट ये है, ठीक है। किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं उसमें।